अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाली महिलाएं अब आर्थिक रूप से संपन्न होती जा रही हैं। विदिशा के छीरखेड़ा में रहने वाली ममता सक्सेना भी ऐसी ही लाखों महिलाओं में शामिल हैं, जिनकी जिंदगी में शिवराज सरकार की वजह से बदलाव आया है। ममता कहती हैं कि पहले हमारे गांव में महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थीं और उनको रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद वह आत्मनिर्भर हो गई हैं। खुद ममता ने इस योजना के तहत लोन लेकर खुद की फोटो कॉपी स्टेशनरी का व्यवसाय शुरू किया है। मेरा नाम ममता सक्सेना है, मैं ग्राम छीरखेड़ा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम दुर्गा आजीविका स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं सचिव पद पर हूँ। और जब हम समूह में नहीं जुड़े थे, उससे पहले अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। समूह में जुड़ने के बाद हम लोगों को अलग अलग तरह के प्रशिक्षण दिए गए। प्रशिक्षण के माध्यम से हम आगे बढ़े, हमने CRP का काम भी किया और आज की डेट में हमने बैंक से लोन लेके अपना जो ऑनलाइन की दुकान भी डाली है, जिसमें आज फोटोकॉपी वगैरह और कंप्यूटर वगैरह हम खुद ही करते हैं। और ये सब है जो हमारा आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह है, इसमें बैंक से लोन लेने करने के लिए या जो भी शासकीय योजनाएँ रहती हैं, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान है, जो समूह को सर्वप्रथम मान्यता देते हैं। और मैं सभी दीदियों की तरफ से, अपने समूह की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। इससे महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं, ये एक अलग ही मिसाल है। ममता कहती हैं कि अब उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, वह अब महीने का 15 से 20 हज़ार कमा रही हैं। वह कहती हैं कि पहले घर के खर्च के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते थे और अब हम घर खर्च में हाथ बटाते हैं। कंप्यूटर भी चलाती हूँ, मेरी ऑनलाइन का काम होता है, फोटोकॉपी है, स्टेशनरी है, ये मेरी अपनी खुद की आय बढ़ाने का काम हुआ है। समय में जुड़ने के बाद में आज मेरी महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये आय हो जाती है। ये सब जो भी है हमारे मामा जी की देन है। आजीविका मिशन से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं नए मुकाम हासिल कर रही हैं, जो कभी अपनी पूरी ऊर्जा घरेलू कामकाज में ही लगा देती थीं, आज घर के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों का भी संचालन कर रही हैं। यह सब संभव हुआ है सरकार द्वारा चलाए गए आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के द्वारा, जिसके तहत महिलाओं को लोन मिल रहा है और वह आत्मनिर्भर बन रही है।